टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बड़ा आरोप लगाया है। डेरेक ओब्रायन ने पीएम और गृह मंत्री संसद में चाकू लेकर आते हैं, ये डेरेक ओब्रायन का कहना है। प्रधानमंत्री और अमित शाह लोकतंत्र का गला घोटते हैं, ये डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि किसी बिल को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजते, संसद को एमएसजी बना दिया गया है। एमएसजी यानी कि मोदी शाह जिमखाना। डेरेक ओब्रायन ने गंभीर आरोप लगाए हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संसद में चाकू लेकर आते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, किसी भी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में नहीं भेजा जाता, संसद को एमएसजी बना दिया गया है, मोदी शाह जिमखाना। ये आरोप डेरेक ओब्रायन ने लगाए हैं। आपको बताते चले, डेरेक ओब्रायन को कार्यवाही के लिए, सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। लगातार अब जिस तरह से विपक्ष के जो 12 सांसद निलंबित थे उनके साथ में आज उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की, विरोध प्रदर्शन भी जताया। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तमाम बातें कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। का निलंबन हुआ और 13वें आप हैं, आपका भी निलंबन किया गया और आपको निलंबित करते समय कहा गया कि भाई आप फ्लोर लीडर है टीएमसी के, आपके साथ आपने जो व्यवहार किया वो एक फ्लोर लीडर को नहीं सूट करता। क्या फ्लोर लीडर, देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का गृह मंत्री कौन है? जब वो लोग सांसद में आता है, दोनों का हाथ में एक चक्कू आता है, चक्कू लेके आता है सांसद में, क्योंकि वो लोग डेली ये चक्कू लेके सांसद में गणतंत्र डेमोक्रेसी का हत्यार करता है, मर्डर करता है, वो लोग को आगे सस्पेंड करना चाहिए। डेली डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है ये पार्लियामेंट में, कोई रूल्स नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। लोकसभा स्पीकर नाराज नजर आए आज भी, उन्होंने क्या नाराज हो रहा है, कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी के लिए स्क्रूटनी में जाता है कोई बिल? ये पार्लियामेंट नहीं है, ये है एमएसजी नया होने वाला है, ये मोदी शाह जिमखाना हो गया, ये और पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये तो हम वोटर की राइट को और उनकी प्राइवेसी को भी ध्यान में रख रहे हैं। जिस तरह से वोटर कार्ड को लेकर के हमेशा ये आपत्ति जताई जाती है कि बोगस वोटर कार्ड है, उसको ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सितंबर 2020 में क्या हुआ, आप हमसे पूछ रहे हैं ना, ठीक है, आप पत्रकार हैं, आपसे पूछेंगे। मैं अमित शाह मोदी को एक प्रश्न पूछेगा, सितंबर 2020 में क्या हुआ, हम लोग 8 जन सांसद को क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि हम लोग किसान बिल विरोधी कर रहा था, फार्म बिल, ठीक है, हमको सस्पेंड किया, कांग्रेस का सस्पेंड, सीपीएम सीपीआई तृणमूल शिवसेना को सस्पेंड किया। तब क्या किया, 13-14 महीना बाद क्या किया, किसान विरोधी बिल वापस लिया। पूछिए इनसे, सस्पेंड किया, तब क्या हुआ, हम लोग ऑपोजिशन है, हम उनका तोता पाकी नहीं है। नासिर साहब, आप भी सस्पेंड किए गए हैं, नासिर साहब आप ये बताएं कि जिस तरह से आज भी लोकसभा स्पीकर जो है वो नाराज नजर आए, कहें कि संसद इस तरह नहीं चलता है, हर बात पर विपक्षी पार्टी विरोध करती है, संसद चलाना हमारा काम है और सांसदों को इसीलिए चुनकर भेजा गया है कि वो आम जनता की बात को रख सके। हम तो यही कह रहे हैं ना कि संसद चलाना उनका काम है, हमारा काम। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो समय से पहले, तो सुना आपने डेरेक ओब्रायन जो लगातार आरोप लगा रहे थे केंद्रीय सरकार पर। और आपको बताते चले, इसके पहले भी डेरेक ओब्रायन दरअसल बिल के पास करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने रूल बुक फेंक दी थी, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद में अपने इस कृत्य को लेकर उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया था। अब आज डेरेक ओब्रायन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए चाकू लेकर आते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, पीएम अमित शाह लोकतंत्र का गला घोटते हैं, ये कहना है। उनका कहना है किसी भी बिल को कभी भी स्टैंडिंग कमेटी के पास में नहीं भेजते,
ये उन्होंने MSG कहा है, उनका कहना है कि जिस तरह से संसद इस समय अभी मौजूदा हालात में है, PM और केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद को MSG बना दिया है। MSG का मतलब मोदी शाह जिमखाना। यहाँ पर मनमानी करने का भी आरोप TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने लगाया। आपको बता दें, राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के बिल पर जब चर्चा हो रही थी, इस चर्चा के दौरान TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने नाराजगी जताई थी, बिल के पास करने के तरीके पर आपत्ति जताई थी और रूल बुक फेंक दी थी और उनके इस कृत्य के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उनका यही कहना, उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया, उनका कहना है कि किसी भी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में नहीं भेजा जाता।